अस्सलामुअलैकुम सच्चल न्यूज़ के साथ मैं हूँ साइमा खान और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं वाटर बोर्ड के हवाले से, जहाँ पर अकाउंट माफिया बेलगाम हो चुका है। आपको बताते चलें कि वाटर बोर्ड की अकाउंट माफिया ने नए एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख को नाकाम बनाने की मुहिम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पेंशन और फंड्स की मद में सिर्फ 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि एमडी ने 40 करोड़ रुपए की फौरी अदायगी का हुक्म दिया था। जबकि अब तक नए एमडी वाटर बोर्ड के हुक्म के बावजूद एक हफ्ते में सिर्फ 6 करोड़ रुपये ही अदा किए गए हैं। आपको बताते चलें एक बार फिर कि वाटर बोर्ड की अकाउंट माफिया ने नए एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख को नाकाम बनाने की मुहिम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पेंशन और फंड्स की मद में सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं, जबकि एमडी ने 40 करोड़ रुपए की फौरी अदायगी का हुक्म दिया था। लेकिन अब तक नए एमडी वाटर बोर्ड के हुक्म के बावजूद एक हफ्ते में सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही अदा किए गए हैं, जबकि अकाउंट डिपार्टमेंट गुज़िश्ता 3 साल से फंड्स ना होने का बहाना बनाकर अफसरान और मुलाजमीन को धक्के खिला रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चल न्यूज़।